और नोटिस करने वाला बात क्या है, प्रथम पुरुष में क्या कोई नाम भी आ सकता है, जैसे लड़का, एक लड़का रहेगा तो इसमें आएगा, दो लड़का रहेगा तो इसमें आएगा, और दो से अधिक लड़के रहेंगे तो इसमें आएगा, समझ गए ना बहुवचन में। तो देखिए कैसे बनाते हैं, क्रिएट क्रिएट क्या करते हैं ना, सब में लिखते हैं, सब में, ठीक है ना, तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी, सब में लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ती ती तह अंति सी, और इसमें क्या करते हैं थ लगाते हैं, थ, ठीक है, थ थ, इसमें आमी लगाते हैं, इसमें आवह और इसमें आमह, ये आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या भराएगा, सी के बाद क्या आता है, थ आता है, तो क्रिएट लिखेंगे और क्या करेंगे थ लगा देंगे, हो गया ख़त्म कहानी। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आमी लगाते हैं, तो क्रिएट लिखिए और आमी लगा दीजिए, क्रिडामी। यहाँ पर क्या भरेंगे, आमी आवह और आमह हो जाएगा, ठीक है, तो आमह भर दीजिए, ठीक है, तो हो गया, यहाँ पर लिख देंगे, ये तो बहुत आसान था। तो देखिए यहाँ पर क्या किए, ये सारा है आंसर, तो क्रिएट क्रिएट क्या किए, सब में लिख दिया है ना, देखिए ना सब में लिख दिया है, और इसमें ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह, समझे, आमी मतलब क्या, ये ऐसे लिखेंगे, आगे अ मत लगा दीजिएगा, समझे, ठीक है, तो आमी इस तरह से लिखेंगे, आमी, आवह इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, आमह इस तरह से लिखेंगे, तो वही यहाँ पर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा था वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सब वीडियो को लाइक करते नहीं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, आप सब सपोर्ट ही नहीं करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाँचवा, पाँचवा में बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित करें, तो लेफ्ट वाले को मिलाना है किससे, राइट वाले से, ठीक है ना, कैसे मिलाना है, ये सब दिया हुआ है चैप्टर से, समझिए, अगर आप चैप्टर का वीडियो देखें ना तभी आपको ये समझ में आएगा। पहला है खेल क्षेत्र, तो खेल क्षेत्र क्या था, यानी खेल का मैदान क्या था कहानी में, बड़ा था, तो हो जाएगा विस्तृतम, विस्तृतम में होता है बड़ा। टू है शिला, तो शिला क्या होती है, रास्ते में मिलती है, तो हो जाएगा शिला मिलती, शिला मिलती है कहाँ, रास्ते में। महान, तो महान क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा कोलाहला हो जाएगा, ठीक है, जब गोल होता है ना, जब गोल होता है, कहानी से रिलेटेड है, जब गोल होता है तो क्या बहुत ही कोलाहल होता है, जैसे क्रिकेट में कोई छक्का मारता है या फिर आउट होता है तो हम सब कैसे शोर मचाते हैं, ठीक है ना, उसी तरह। नवीना, नवीना में से होता नया, तो नया खेल, ठीक है, तो नवीना क्रीडा, क्रीडा में से होता खेल, तब नया खेल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर गोल होता है ना, जैसे फुटबॉल में तो कोई गोल मार दिया, ठीक है, तो फिर गेंद को क्या बीच में लाया जाता है और फिर नया खेल होता है, फिर से खेल होता है, समझे, तो वही बोला जरा नया खेल, ये चैप्टर में पढ़ना था, जो बच गया वो मिला देते हैं। इदानीम संध्या काल, ठीक है, तो इस समय शाम का समय है, तो इदानीम संध्या काल। अब हम लोग पढ़ेंगे सिक्स, निम्नलिखित वाक्यों को सुमेलित करें, यानी इसमें भी यही काम है, लेफ्ट वाले को क्या करना है, राइट से मिलाना है। तो यहाँ पर हिंदी वाक्य है और यहाँ पर इसमें क्या संस्कृत वाक्य है, तो वही हमें मिलाना है। तो चलिए आपको बताते हैं, इस समय का होता है इदानिम, तो इदानिम ढूंढिए, ये है ना, तो क्या करते हैं मिला दिए, ठीक है, चलो घर चले, चलो को होता है चल, तो चल देखिए, चल यहाँ पर है ना, तो चल तो मिला दीजिए, ठीक है, चल संस्कृत में है, हिंदी में तो चलो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ का इंग्लिश क्या होता है, अत्र होता है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, यानी कि क्या सिर्फ अत्र देखने से काम नहीं चलेगा, आगे देखते हैं, केवल है ना, केवल, तो केवल देखिए, केवला, केवल का संस्कृत रूप क्या दिया हुआ, केवला, तो मिला देते हैं, तो मिला दीजिए, मिला दिए, अब दो बज गया। यह का इंग्लिश क्या होता है, अत्र होता है कि इदम होता है, अत्र मिश तो यहाँ होता है ना, है ना, तो यह का इंग्लिश क्या होता है, इदम होता है, तो मिला दिए, है ना, इदम, तो मिला दिए, और जो बच गया वो उसमें वो क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो बन गया ना, तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेवन, सेवन में लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखें, यानी कि ये सब क्या है, गलत दिया हुआ, तो हमें क्या करना, सुधारना, तो चलिए सुधारते हैं, तो चलिए समझते हैं
खेल क्षेत्र नहीं होगा, खेल क्षेत्रम होगा, खेल का मैदान। तो इसका होगा क्या, व्यायामस्य, समझे, व्यायामस्य में इसका होता है व्यायाम का। ठीक है, इसका सही होगा भ्रमणाय, घूमने के लिए। इसका सही होगा कंदुकम यानी गेंद। इसका सही होगा क्रीडा, ठीक ना, क्रीडा यानी खेल। तो इसमें देख रहे, इसमें छोटा ही है ना, ये छोटा ही नहीं होगा, ये क्या होगा, बड़ा ही होगा, बड़ा ही क्रीडा में, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग एट में उत्तरानी लिखत, ठीक है, उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर क्या, ये सब संस्कृत में दिया हुआ है ना, संस्कृत में सवाल पूछा जा रहा, आपको संस्कृत में जवाब देना। तो चलिए आपको बताते हैं, तो कितने सवाल हैं यहाँ पर, 5 सवाल हैं। क में बोला जा रहा है खेल क्षेत्रम किमर्थम भवति, तो बोला जा रहा है खेल का मैदान किस लिए होता है। तो जाहिर सी बात है, खेल का मैदान चैप्टर में पढ़े हैं, मनोरंजन के लिए और व्यायाम के लिए होता है। तो उत्तर लिखेंगे, खेल क्षेत्रम मनोरंजन से व्यायाम से च स्थलम भवति, खेल का मैदान मनोरंजन और व्यायाम का स्थल होता है। ख है आवाम कुत्र गच्छावः, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, गच्छ में सोता जाना, तो हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, आवाम में सोता हम दोनों, कुत्र में कहाँ, तो हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो चैप्टर में पढ़े थे हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, दो लड़का था तो खेल का मैदान जा रहा था, तो लिखेंगे आवाम खेल क्षेत्रम गच्छावः, हम दोनों खेल का मैदान जा रहे हैं। ग है सर्वे कुत्र प्रवेशन्ति, सभी कहाँ प्रवेश करते हैं, तो कहाँ, खेल के मैदान में, तो लिखेंगे सर्वे खेल क्षेत्रे प्रवेशन्ति, सभी खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं। ख है कदा महान कोलाहलो भवति, कब बहुत शोरगुल होता है, तो जब गेंद है ना, जब गेंद गोल में प्रवेश करता है तब महान कोलाहल होता है, यानी बहुत जोर का कोलाहल होता है। तो उत्तर लिखेंगे यदा कंदुकम लक्ष्यम प्रविशति तदा महान कोलाहलो भवति, तो हिंदी अर्थ क्या होगा, यदा में सुता जब, जब गेंद गोल में प्रवेश करती है तब बहुत शोरगुल होता है। अंग है वयम संध्या काले कुत्र गच्छामः, वयम में सोता हम लोग, तो हम लोग शाम के समय में कहाँ जाते हैं, तो हम लोग शाम के समय में कहाँ जाते हैं, खेल के मैदान में। ठीक है, तो लिखेंगे वयम संध्या काले खेल क्षेत्रम गच्छामः, हम लोग शाम के समय में खेल का मैदान जाते हैं।